मोदी जी इससे पहले जब कनाडा गए थे और बड़े भारत और कनाडा की दोस्ती की बात करते थे, इसी दोस्ती के संदर्भ में उनका वो बड़ा मैथमेटिकल मॉडल सामने आया था कि ए प्लस बी होल स्क्वायर में प्लस टू ए बी कहाँ से आता है, प्लस टू ए बी भारत और कनाडा मिलने से एक प्लस टू ए बी बनता है, वो प्लस टू ए बी आज जो माइनस टू ए बी हो जा रहा है। तो इस देश के किसान आंदोलन को खालिस्तानी बता दिया गया था। इस देश में जब लाखों लाख किसान आकर के बैठे हुए थे, पूरा का पूरा किसान आंदोलन को खालिस्तानी बता दिया गया है। इसलिए खालिस्तानी कह देने से ही तो बात होगी नहीं। आपको इसको लेकर के जो भी आपके पास शिकायत है तो आप कनाडा पर दबाव डालिए कि भाई ये आपत्ति है। तो भगोड़ा तो आप कह रहे हैं कि हमारे देश से बैंक लूट करके भगे हुए हैं, बैंक लूट करके विजय माल्या कहाँ बैठे हुए हैं, मेहुल चौकसी कहाँ बैठे हुए हैं, नीरव मोदी कहाँ है, किन किन देशों के सिटीजनशिप लिए हुए हैं, एक भगोड़ा अभी हरीश सालवे की शादी की पार्टी में देख रहे थे ललित मोदी, उन भगोड़ों को लेकर आपका कोई सवाल नहीं है। वो आतंकवादी नहीं है ना। इंडियन डायस्पोरा का इंटरेस्ट कनाडा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम चाहते हैं कि भारत और कनाडा के बीच में जो रिश्ते हैं, मोदी जी का जो प्लस टू ए बी वाला फार्मूला था, हम प्लस टू ए बी के पक्ष में हैं, माइनस टू ए बी के पक्ष में हम नहीं हैं। और सिख कम्युनिटी कनाडा में एक बहुत साइजेबल कम्युनिटी है। कनाडा दुनिया में सातवां देश है जहाँ सबसे ज़्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं। तो हमें तो लगता है कि जो आरोप उठाए गए वो कह रहे हैं कि हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, और जहाँ हो सकता है कि जांच पड़ताल बाधित ना हो, इसी वजह से इन्होंने वो कर दिया कि हम एक राजनयिक का वहाँ से उन्होंने निष्कासित किया, और हमने देखा कि अब इधर से भी निष्कासित किया गया। अभी अभी आपने G20 किया है और आपने कहा कि भाई दुनिया के तमाम देशों के साथ हमारी अच्छी मित्रता है, और अभी उसके बाद हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से आवाज़ उठ रही है, कनाडा से बात उठ रही है। निश्चित तौर पर ये डिप्लोमेटिक सेटबैक अगर ये कहीं बढ़ जाएगा तो भारत के लिए डिप्लोमेटिक सेटबैक होगा। देखिए, हाउस ऑफ कॉमन से कैनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जो है वो ये कहते हैं कि कैनेडियन नागरिकों की अगर मृत्यु होती है तो इसमें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसमें भारतीय की संलिप्तता जो है वो बताते हैं। यानी कि जब हरदीप सिंह निज्जर जो है, यानी कि जो भारत का भगौड़ा जिसपे 10 लाख का इनाम था, खालिस्तानी आतंकवादी होने का दावा किया जा रहा था, उसको लेकर अभी भारत और कनाडा के बीच में खींचातानी चल रही है। अभी इस पर बातचीत हमसे करने के लिए दीपांकर भट्टाचार्य जी, जो भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव हैं, क्या कुछ कहिएगा इसको लेके? ये पहली बात, इसमें भारत का एक वर्षन है, कनाडा का भी एक वर्षन है। तो कनाडा का वर्षन है कि भाई वो कनाडा के सिटीजन थे और एक सिख कम्युनिटी के एक लीडर भी थे, ठीक है। और सिख कम्युनिटी कनाडा में एक बहुत साइजेबल कम्युनिटी है। कनाडा दुनिया में सातवां देश है जहाँ सबसे ज़्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं। तो हमें तो लगता है कि जो आरोप उठाए गए वो कह रहे हैं कि हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, और जहाँ हो सकता है कि जांच पड़ताल बाधित ना हो, इसी वजह से इन्होंने वो कर दिया कि हम एक राजनयिक का वहाँ से उन्होंने निष्कासित किया, और हमने देखा कि अब इधर से भी निष्कासित किया गया। ये आपके नज़र से सही है या फिर गलत? नहीं, हम सही गलत की बात नहीं, हम तो पहली बात कहेंगे कि भाई उन लोगों को लगा तो भारत को भी डिप्लोमेटिकली इसको देखना चाहिए। भारत सरकार ने इसके रिटेलिएशन में यहाँ से भी एक निष्कासन हो गया है। तो हम सवाल तो ये उठता है कि मोदी जी इससे पहले जब कनाडा गए थे और बड़े भारत और कनाडा की दोस्ती की बात करते थे, इसी दोस्ती के संदर्भ में उनका वो बड़ा मैथमेटिकल मॉडल सामने आया था कि ए प्लस बी होल स्क्वायर में प्लस टू ए बी कहाँ से आता है, प्लस टू ए बी भारत और कनाडा मिलने से एक प्लस टू ए बी बनता है, वो प्लस टू ए बी आज जो माइनस टू ए बी हो जा रहा है, उधर से भी निष्कासन हो रहा है, इधर से भी हो रहा है। तो हमें लगता है कि ये गंभीर सवाल है, और इसीलिए ये भारत को डिप्लोमेटिकली देखना चाहिए। अभी अभी आपने G20 किया है और आपने कहा कि भाई दुनिया के तमाम देशों के साथ हमारी अच्छी मित्रता है, और अभी उसके बाद हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से आवाज़ उठ रही है, कनाडा से बात उठ रही है। निश्चित तौर पर ये डिप्लोमेटिक सेटबैक अगर ये कहीं बढ़ जाएगा तो भारत के लिए डिप्लोमेटिक सेटबैक होगा। इसमें अमेरिका भी बीच में आया, उन्होंने भी बिल्कुल आ जाएगा। हाँ। बिल्कुल आ जाएगा, और अमेरिका बीच में आएगा तो अब आपको देखना पड़ेगा कि अमेरिका का पोजीशन कनाडा के करीब होता है या भारत के करीब होता है। तो ये एक मसला अगर बनेगा तो हमें नहीं लगता है कि इंडियन डायस्पोरा के लिए, भारत के इंटरेस्ट के लिए ये सही होगा। ये बात अलग है कि अगर खालिस्तान की गतिविधि है उसको लेकर के भारत की आपत्ति है, उसको लेकर के कनाडा के सरकार पर दबाव बना सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि हमारे देश के कोई कैनेडियन सिटीजन है, उनकी हत्या हुई है, तो उस देश में उसकी जांच करना उनका काम है। कोई भी किसी भी देश में, हमारे देश में किसी नागरिक की अगर हत्या हो जाए
तो निश्चित तौर पर हम उसकी भी जांच करेंगे। हमारे देश में रह करके किसी विदेशी नागरिक की भी हत्या हिंदुस्तान में हो जाए वो भी जांच का विषय बनेगा। लेकिन हरदीप सिंह निज्जर पे काफी संगीन आरोप है, जैसे कि खालिस्तानी ध्वजों को लहराना, और ऊपर से उन पे ये भी आरोप है कि भारत में भगोड़ा भी साबित है घोषित है और 10 लाख का इनाम भी है, तो खालिस्तानी को मारना कोई गलत नहीं है? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि भाई आरोप तो खालिस्तानी, तो इस देश के किसान आंदोलन को खालिस्तानी बता दिया गया था। इस देश में जब लाखों लाख किसान आकर के बैठे हुए थे, पूरा का पूरा किसान आंदोलन को खालिस्तानी बता दिया गया है, इसलिए खालिस्तानी कह देने से ही तो बात होगी नहीं। आपको इसको लेकर के जो भी आपके पास शिकायत है तो आप कनाडा पर दबाव डालिए कि भाई ये आपत्ति है। तो भगोड़ा तो आप कह रहे हैं कि हमारे देश से बैंक लूट करके भागे हुए हैं, बैंक लूट करके विजय माल्या कहाँ बैठे हुए हैं, मेहुल चौकसी कहाँ बैठे हुए हैं, नीरव मोदी कहाँ है, किन किन देशों के सिटीजनशिप लिए हुए हैं, एक भगोड़ा अभी हरीश सलवे की शादी की पार्टी में दिख रहे थे ललित मोदी, उन भगोड़ों को लेकर आपका कोई सवाल नहीं है? वो आतंकवादी नहीं है ना? नहीं भाई, इसी हम आतंकवादी का कोई आप आरोप लगा रहे हैं, आपके पास जो भी सबूत है तो बात करिए कनाडा से, बात करिए कि कनाडा वालों से कि भाई इनको आप छोड़ो, हमारे देश में हम लाते हैं, तब उनका विचार होगा। लेकिन यहाँ सवाल है कि उनके कोई एक जुडिशियल प्रोसेस नहीं हो रहा, उनकी हत्या हो गई है। अगर हत्या नहीं हुई होती तब एक अलग बात होती, अलग बात होती, तो हत्या की जांच हो रही है। भारत में आने पर कनाडा की तरफ से ट्रैवल एडवाइजरी जारी किया गया कि इन इन जगहों पर नहीं जाना है, तो इसको किस रूप से देखते हैं आप? हमें लगता है कि जो भी बात है भारत और कनाडा के बीच में बातचीत हो, बात करके आप हल करिए, लेकिन ये जो अभी एस्केलेशन हो रहा है, हम एक को निकाल दे रहे हैं, वो एक को निकाल दे रहे हैं, ये तो भारत और कनाडा के रिश्ते इससे प्रभावित हो जाए। कनाडा के जो राजनयिक जो गए उनका बर्ताव आपने भी देखा, वीडियोस काफी वायरल हुए। अभी अभी देखिए, हम कोई कनाडा स्पेशलिस्ट है नहीं, कनाडा एक्सपर्ट हम नहीं है, लेकिन हम इतना समझते हैं कि इंडियन डायस्पोरा 7th लार्जेस्ट कंट्री कनाडा है, जहाँ भारतीय मूल के लोग रहते हैं, उनका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, इंडियन डायस्पोरा का इंटरेस्ट कनाडा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम चाहते हैं कि भारत और कनाडा के बीच में जो रिश्ते हैं, मोदी जी का जो प्लस टू ए बी वाला फार्मूला था, हम प्लस टू ए बी के पक्ष में हैं, माइनस टू ए बी के पक्ष में हम नहीं हैं। देखिए, मोदी जी का जो प्लस टू ए बी का जो फार्मूला है वो ठीक हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख लेते जनता जंक्शन, धन्यवाद।